क्लास नाइन्थ। वेलकम टू यू बेटा, माय चैनल एजुकेट्स अकेडमी। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ आज बताने जा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर प्रोज भी है। टोटल 11 चैप्टर आपके थे, जिसमें से आपके 2 चैप्टर डिलीटेड हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं इसमें कोर्स में से। चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर, चैप्टर 10 काठमांडू। अब आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से चैप्टर 4 तक आप लोगों का हो गया है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। मैं एक चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर हाफ ईयरली कोर्स का पढ़ाने जा रही हूँ, माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड एक ऐसे व्यक्ति के बचपन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो आपके देश का क्या था, क्या थे वो, 11वें प्रेसिडेंट थे और कब बने थे, 2002 में। तो देखिए उनका बचपना किस प्रकार का था। दिस लेसन टेल्स अबाउट प्रोफेसर अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड। ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। हिज फादर्स नेम वाज जैनुल आबादीन, हिज मदर्स नेम वाज आशिमा। ही वाज बॉर्न इन 1931 एट रामेश्वरम। हिज पेरेंट्स वर नाइदर मच एजुकेटेड नॉर रिच, येट दे वर वेरी जेनरस एंड काइंड। मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे। यह पाठ हमें प्रोफेसर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बताता है। वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके पिता का नाम जैनुल आबादीन था, उनकी माता का नाम आशिमा था। जन्म सन 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। उनके माता पिता न तो अधिक पढ़े लिखे थे और न ही अमीर थे, फिर भी वे बड़े उदार और दयालु थे। परिवार से बाहर के बहुत से व्यक्ति प्रतिदिन उनके यहाँ खाना खाने के लिए आते थे। अब्दुल कलाम के 3 भाई थे और 1 बहन थी। वे सभी अपने पूर्वजों से प्राप्त पुराने घर में रहते थे। वह बड़ा तथा पक्का मकान था। वह रामेश्वरम की मस्जिद की गली में था। अब्दुल कलाम 8 वर्ष के ही थे जब सन 1939 में दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध छिड़ गया। अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। अब्दुल कलाम इन बीजों को इकट्ठा करके बाजार में बेच देते थे। उनके एक चचेरे भाई समसुद्दीन समाचार पत्रों के वितरक थे। उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने सहायक के रूप में नियुक्त कर लिया था। इस प्रकार बालक अब्दुल की पहली कमाई हुई। अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उनके कुछ मित्रों और अध्यापकों ने भी उन्हें प्रभावित किया। वह रामेश्वरम प्रारंभिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में थे, एक नए अध्यापक कक्षा में आए। अब्दुल अपने घनिष्ठ मित्र रामानाथ शास्त्री के साथ प्रथम पंक्ति में बैठे थे। नए अध्यापक एक हिंदू पुजारी के पुत्र का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सके। उन्होंने अब्दुल कलाम से पीछे की पंक्ति में जाकर बैठने के लिए कहा। वह बड़े दुखी हो उठे और रामानाथ शास्त्री का भी यही हाल हुआ। पिछली पंक्ति में जाते हुए अब्दुल कलाम ने देखा कि शास्त्री रो रहे थे। इस बात का अब्दुल कलाम पर बहुत बड़ा असर पड़ा। बाद में रामानाथ शास्त्री के पिता ने अध्यापक को बुलाया। उसने उसे बच्चों के बीच सामाजिक विभाजन का जहर न फैलाने के लिए कहा। अध्यापक ने इसके लिए उनसे माफ़ी मांगी। अब्दुल ने विज्ञान अध्यापक शिव सुब्रमणिया और ऊंची जात के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी बड़े पुराने विचारों की थी, परंतु उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयत्न किया। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। उनकी पत्नी ने अब्दुल कलाम को अपनी रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। इस पर शिव ब्राह्मणिया ने अपने हाथों से अब्दुल को खाना परोसा। उसने उसके पास बैठकर
अपना भोजन भी लिया। अध्यापक ने अब्दुल को सप्ताह के अंत में फिर अपने घर आने को कहा। वह अगले सप्ताह उनके घर गए। उनकी पत्नी अब्दुल को अपनी रसोई में ले गई। उसने उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा। अपने पिता से अब्दुल को ईमानदारी और आत्मसंयम विरासत में मिले थे। अब्दुल कलाम बड़े हो गए। उन्होंने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर अध्ययन की आज्ञा मांगी। उनके पिता ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उसने अपनी पत्नी को सांत्वना दिया कि जो भावुक हो गई थी। अब्दुल कलाम के पिता ने प्रसिद्ध फारसी दार्शनिक खलील जिब्रान का भी उल्लेख किया है। उन्होंने उसे बताया कि उनके बच्चे उनके नहीं हैं, वे तो जीवन के अपने प्रति इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे उसके द्वारा आते हैं और परंतु उससे नहीं आते। वह उन्हें अपना प्यार दे सकती है परंतु उनके विचार उनके अपने हैं। ये तो बेटा अब्दुल कलाम का बचपना था। ये चैप्टर आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और वर्ड मीनिंग लिख करके भेज दीजिएगा और मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूँगी, सेव कर लीजिएगा। ये लास्ट चैप्टर है हैप्पी अर्ली का। दैट्स ऑल। जय गुरुदेव।